नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भरपूर जवाब दिया है। आज बस्ती में पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने ओम प्रकाश राजभर गए थे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य आप पे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया है, आप ये आगे वीडियो में सुने। बहुजन समाज पार्टी की कृपा से विधायक मंत्री बने, ये जग जाहिर है। फिर बीजेपी में गए तो बीजेपी की कृपा से बने। ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम अपनी पार्टी बना करके राजनीति करते हैं। हम अपरिपक्व हैं, अच्छी बात है, सीखेंगे उनसे, बड़े भाई हैं वो। ये तो उनकी बहादुरी है कि कम से कम बयान बहादुर कहा। और मैं जहां से चुनाव लड़ा गाजीपुर से, मैं खुद जीता और पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया। आजमगढ़ नहीं जीतने दिया, अम्बेडकर नगर नहीं जीतने दिया, बलिया में 7-2 बीजेपी जीती, आपके बस्ती में 1 सीट जीती। तो हम तो जहाँ से लड़े उस जिलों को जीतवा लिए और जगह जीतवा लिए, और तो जहाँ से लड़े वह हार गए और सबको हरवा दिए। राजनीति में चर्चा और है कि ओपी राजभर का कहीं 30 कहीं निशाना होता है। वो भले न्योता दे रहे हैं कि मैं बसपा में जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा काम है, हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करते हैं, ताकत रहेगी तो जिसको जरूरत होगी वो समझौता करेगा। आए दिन देखा जाता है कि आप विजय पाठक जी के साथ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हो, आप मिलते जुलते रहते हैं। हम तो बराबर जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो 25 करोड़ आबादी के ना मुख्यमंत्री हैं, खाली भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। हम भी मिल रहे हैं, हमारे पार्टी के 6 मिल रहे हैं। तो अब इनकी समस्या लेकर के जनता की समस्या मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे तो जाएंगे अखिलेश जी से मिलने। केशव मौर्य बोले थे हमको किसी की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुत मजबूत पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के मालिक वही हैं। कहा मालिक तो इस समय जेपी नड्डा जी हैं। आपने खुला मन पाका, लेकिन वहां से अभी तक कोई भी आपको हरी झंडी नहीं मिली है, तो अगर वहां से हरी झंडी नहीं मिलती फिर आपका आगे का आगे देखा जाएगा। समय जैसे जैसा समय आता है, बरसात शुरू होती है तो धान रोपने का टाइम, तो किसान बिया उकाड़ता चट रोपने लगता है, भेड़ पहले बिया तो तैयार किया जाए। आज यहाँ पे बस्ती में बादशाह मैरिज हॉल में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हमको अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, हमारी जब ताकत ज़्यादा होगी, मजबूत होगी, बड़ी होगी, तो हमको कोई भी पूछेगा। तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह था बैठक में, लोगों की भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और इस तरह से बस्ती का यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से ओम प्रकाश राजभर का संपन्न हुआ। ओम प्रकाश राजभर जब वहाँ पहुँचे तो उनके काफिले में बहुत भारी संख्या में वाहन मौजूद थे और उनके काफिले को देखते हुए ऐसा लगता था कि जनमत उनका मजबूत हो रहा है, उनके समर्थक उनके साथ दिलो जान से जुटते जा रहे हैं। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।